एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं किसी भी रेड कलर के आउटफिट के साथ। अगर आपके पास रेड कलर की कुर्ती है या फिर रेड कलर की साड़ी है या फिर मतलब आपके आउटफिट में रेड कलर है, तो ये वाला मेकअप लुक आप इजीली कर सकते हो। बहुत 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 अच्छा लगेगा, मतलब ज़बरदस्त लगेगा ये वाला मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़, एंड हाँ सपोर्ट भी करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आप अपने फेस को पहले फेस वॉश की हेल्प से क्लीन कर लोगे। मैंने यहाँ पे अपने फेस को पहले ही क्लीन करके रखा था, उसके बाद मैं यहाँ पे बैंड यूज़ कर रही हूँ। बैंड यूज़ करने से ये होता है ना कि आपका मतलब फेस पे बाल नहीं आएगा, मेकअप करने में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इसलिए आप बैंड यूज़ कर लो, बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद ये देखो, मैं यहाँ पे बैंड यूज़ कर ली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश वगैरह कर चुकी हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टोनर, जो कि है जॉब्स का टोनर। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप इसकी जगह गुलाब जल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गुलाब जल यूज़ कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर को अच्छे से यूज करने के बाद टैप 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 करके पूरा अच्छे से फेस को मसाज कर लूँगी। उसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर क्रीम। मॉइस्चराइजर क्रीम से ये होता है ना कि आपका जो आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद जो फाउंडेशन लगाओगे वो केके सा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड होगा। मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से आपका फेस बहुत ही हाइड्रेटिंग रहेगा, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। बिना मॉइस्चराइजर के तो काम ही नहीं चलने वाला है ड्राई स्किन के लिए, तो मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है मेकअप करने से पहले। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर क्रीम को लेके अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लूँगी, पूरे अच्छे तरीके से अपने फेस को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइमर के लिए लैक्मे का प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये प्राइमर, तो मैं यही प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो मैं प्राइमर को लूँगी और अपने फेस पे लगा लूँगी, अच्छे तरीके से प्राइमर को अपने फेस पे लगा लूँगी। तो प्राइमर लगाने के बाद आज मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मैं कोई भी प्रकार का किसी भी टाइप का फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मैं बस लगाऊंगी तो कंसीलर। और पूरा बेस जो है मैं पूरा मेकअप कंसीलर से ही करूंगी, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूंगी आज मैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पिच कलर का स्विस ब्यूटी का कंसीलर ली हूँ, पिच कलर का। अपने फेस पर पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद उसके बाद मैं उसी कंसीलर को पहले लाइट कलर का लूँगी, उसके बाद अंडर आइज़ पे जहाँ जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है, नोज़ एरिया, अंडर आइज़, जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप लगा लोगे और अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लोगे। कंसीलर को मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ब्लश, क्रीम फॉर्म में है। तो इनसाइड का ब्लश लेके मैं फिंगर के हेल्प से ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस अपने फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ, नोज़ एरिया पे, चीक एरिया पे, जहाँ जहाँ भी आपको ब्लश चाहिए वहाँ पे आप लगा लोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप को अपने बेस को सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर से, जो कि है लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर।
तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से अपने बेस को सेट कर रही हूँ। पाउडर से सेट कर ली उसके बाद आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर। यहाँ पे आईब्रोज़ के लिए एकदम सिंपल सा ही रखूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, जो भी आपका शेप है बस उसी शेप में आईब्रो को फिलअप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, अपने नोज़ एरिया पर फिंगर, आज पता है मैं फिंगर के हेल्प से ही हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। ये देखो मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो हाइलाइटर यूज़ कर ली हूँ। उसके बाद आई मेकअप बहुत ही सिंपल रखूँगी, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइट कलर का शेड लूँगी और पूरे आईज़ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, दोनों आँखों पे लाइट कलर का शेड लेके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ब्राउन कलर का शेड, उससे हल्का डार्क कलर का शेड लूँगी और अच्छे तरीके से आउटर कॉर्नर पे लगा लूँगी। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपर कलर का शेड लूँगी और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज़ ये आगे वीडियो में पूरा दिखाया गया तो आप देख लेना। तो आई मेकअप बहुत ही सिंपल था, बस तीन कलर से ही मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया था। पहले लाइट कलर से अच्छे तरीके से पूरे आईज़ को ब्लेंड कर ली हूँ मैं, उसके बाद उससे लाइट डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर ली हूँ। उसके बाद कॉपर कलर का शेड लेके इनर कॉर्नर पे लगा ली हूँ। बाद आई मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर के लिए मार्स का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर पूरे आँख में नहीं लगाऊंगी मैं, बस लास्ट में थोड़ा सा विंग बनाऊंगी और उसी को अटैच करके हल्का सा आगे तक जाऊंगी। तो आईलाइनर बहुत ही सिंपल, एकदम पतला सा लगाई हूँ, छोटा सा। तो ये देख लो गाइज़ बहुत ही सिंपल, एकदम ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना है, बस सिंपल सा लुक देना है। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे नलायो का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर मस्कारा है। मस्कारा लगाने के बाद आई मेकअप हो गया है मेरा कंप्लीट। गाइज आप लोगों ने देखा ही, बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में मैंने आई मेकअप किया है। बस दो ही कलर से आई मेकअप को अच्छे तरीके से कर लिया है। उसके बाद आई मेकअप करने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद मैं हर बार ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ममाज अर्थ का रेड कलर का लिपस्टिक, जो कि बहुत ही सुंदर और शेड भी बहुत ही सुंदर है, जैसा कि वाव। लिपस्टिक लगाने के बाद देखो मेकअप में तो चार चांद ही लग गए हैं, है ना। लिपस्टिक मैंने रेड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रेड मेरा आउटफिट भी है, तो इसलिए मैंने रेड कलर का लिपस्टिक भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल लुक देखने के लिए। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा फाइनल लुक, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ गाइस लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।